नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके राज व्लॉग में। दोस्तों आज हम हैवी बकरों का लोट दिखाने वाले हैं और आईबीटी गोट फार्म पे हम आए हैं। और पहले हमने एक पिछले वीडियो में दिखाया था, काफ़ी हैवी जो बकरे थे वो दिखाए थे, और ये दूसरा लोट है। ये भी इसके बारे में भी हम डिटेल देंगे और ज़्यादा जानकारी लेंगे भाई से। राज भाई नमस्कार। हाँ नमस्कार। अच्छा ये दूसरा लोट दिखाने वाले ये दूसरा लोट अभी। अच्छा ये क्या उम्र का है और किस वेट का है ये दो दांत चार दांत छह दांत के अंदर है। अच्छा ये भी समथिंग 50 किलो से ऊपर 60 किलो से ऊपर बकरा है, जो 100 किलो तक बकरा है ये भी। अच्छा तो इसमें जो कम वजन के हैं काफी थोड़े ज्यादा है इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें जो आपने पिछला जो वीडियो बनवाया था उसके अंदर हैवी बकरे ज्यादा थे। बिल्कुल। बाकी शाइनिंग की कोई शाइनिंग वही शाइनिंग है, दोनों सेम शाइनिंग है। तो भाई दिखाओ देखे ये बकरा देखो, ये वाला बकरा ये छह दांत पे बकरा है, समथिंग 90 किलो का वजन इसका भी। छह दांत पे। अच्छा अभी देखो ये अंडो है, ये वाला ये अंडो, ये चार दांत पे अभी है। ये चार दांत पे। हाँ इसका भी 90 किलो वजन है। 90 केजी का। बिल्कुल। अच्छा तुम्हारे देखो सामने को ये बकरा है, ये 95 का है। शाइनिंग देखो इसकी, हैवी वाले बकरे भी काफी। इसके अंदर के प्योर जो सिरोही वाले बकरे हैं इसके अंदर। बिल्कुल प्योर ओरिजिनल सिरोही। ये भी गुजरी के अंदर कोई पैटर्न है, गुजरी के अंदर है ये वाला। गुजरी के अंदर है ये, गुजरी के अंदर है ये। 90 किलो का है। कितना का लोट है भाई अभी इसमें बाड़े के अंदर? 65 पीस अपने पास में। अच्छा 65 है। हां अभी देखो ये पीस भी इसके अंदर। वजन कहां से कहां तक का है? 60 किलो से लेके इसमें 95 तक की वजन इसमें। अच्छा बिल्कुल। तो भाई एक डिटेल ले लेते हैं कि ये क्या कितने दांत का है? ये वाला 6 दांत पे बकरा भी है। 6 दांत पे। 6 दांत पे है इसका। समथिंग 90 किलो उसका वजन है। 90 केजी का इसका। 90 किलो वजन है इसका। अच्छा अच्छा। अभी ये हल्का बकरा ही है, हल्का इसमें 45-50 किलो वजन इसमें। अच्छा ये छोटा बच्चा है, दो दांत पे बच्चा है ये। दो दांत पे ये। अच्छा तो खस्सी है सारे के अंडुल भी है इसमें? कम से कम 5-1 पीस इसके अंदर अंडू है। अच्छा 5 पीस इसके अंदर अंडू है। अच्छा बता सकते हो कौन है अभी? समथिंग ये देखो ये वाला पीस, वही अंडू भी दिखाया अपने पहले वीडियो में। ये वाला छोटे पीस के अंदर, मिक्स के अंदर अभी। अच्छा अच्छा अभी एक को पकड़ नहीं सकते अभी हम बंद। कोई नहीं बता दो आप ऐसे ही। अभी देखो ये इसमें 98 किलो वजन है, इसका वजन चेक किया हमने। अच्छा ये तोला हुआ है ना? तोला बकरा है कल, इसका वजन चेक किया उसमें 98 वजन है। वेट किया हुआ आपका ना? बिल्कुल। अच्छा 98 केजी का। 98 किलो वजन इसका। अच्छा मतलब सभी। अभी देखो ये बकरा देखो, इसमें भी समथिंग ये 98 समथिंग, इसको तोला नहीं है, इसका वेट चेक नहीं किया भी, इसका समथिंग ये बैठेगा 98 से 100 किलो भी बैठ सकता है ये। अच्छा ये 98 तक का बैठेगा है ना? अच्छा अच्छा अभी ये बकरा देखो, ये वाला बकरा देखो, ये इसमें भी समथिंग ये 95 समथिंग है, 95 या 100 तक बैठ सकता शायद ये। काफी खूबसूरत लोट है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और वजन भी काफी अच्छा है, हैवी वाले जो हैवी गोट है वो वाला है इसके अंदर। और इसके अंदर कुछ अंडुलर कुछ बाकी खस्सी है इसके अंदर। 5 पीस समझ के इसके अंदर अंडू है, बाकी के सब खस्सी का लोट है। अभी देखो छोटा साइज ये, देखो छोटा साइज ये है जो 45-50 किलो के अंदर, दो दांत पे बच्चे हैं सब। पर करेक्शन में आसपास का काफी अच्छा रहता है भाई इसमें जहाँ भी अपन। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पिछला लोट भी आपने काफी शानदार दिखाया था। बिल्कुल। और ये भी काफी शानदार है भाई। तो इसके अंदर वजन का तो आपने 50 केजी से लेके 50 किलो से लेके 100 किलो तक समथिंग वजन है। 100 तक एवरेज में। अच्छा छोटा कोई हल्की पट्टी ले जाता, हल्की पट्टी का भी मिल जाएगा। अच्छा पट्टी के हिसाब से रहेगा। हाँ हल्का देखो, हल्का बकरा ये वाला भी। अच्छा अच्छा ये हल्का भी मिल जाएगा, कोई छोटा दो दांत में ले जाता भाई, क्योंकि हेवी नहीं चलता किसी के, नॉर्मल बकरा चलता ना तो भी मिल जाएगा। अच्छा तो भाई रेट का भी बात कर लेते हैं। देखो रेट का अपन का ऐसा कि रेट का अपन क्या खाली फोन पे एक काम करेंगे, रेट का रेट क्या वजन में ले रहा है, कितना कसी है अंडू, कितना उसमें क्वालिटी कैसी ले रही है, कैसी क्वालिटी नहीं है, वो सब चीज़ क्या है अपन फोन पे बात करेंगे, उसके हिसाब से रेट लगेगा। बाकी रेट तो देखो 300 से स्टार्ट है हल्का बकरे का, भारी बकरे का 350 भी है, 360 भी है, हर बकरे का रेट अलग है सबका। अच्छा तो मतलब पट्टी के हिसाब से मतलब मिनिमम कितना लेना पड़ेगा भाई? 25 पीस से ऊपर लेना पड़ेगा उनको। अच्छा 25 से ऊपर लेना पड़ेगा। अच्छा कुर्बानी बकरा है जो 25 से ऊपर लेना पड़ेगा। क्यों भाई ऐसा, क्यों एक दो नहीं ले सकते क्या? देखो एक दो का क्या है कि एक दो बकरा लेना था, ट्रांसपोर्टिंग बहुत महंगा पड़ता है, उसका लोचा रहता है, बकरा पहुंचेगा उनके पास नहीं पहुंचेगा तो अपने का रिस्क हो जाता है। वो एक अपने को तो झंझट नहीं लेने का, खाली कस्टमर अपने पास में आएगा यहाँ पे माल देगा, उनके सामने लोडिंग करके भेज देंगे। अच्छा अच्छा मतलब यहाँ पे आपके पास में खड़ा है
माल खड़ा है और जो ऑर्डर भी देगा, मान लो कि अपने पास में हेवी बकरा है और किसी को हल्का बकरा चाहिए तो हल्का भी मिल जाएगा, और हल्का अपने पास में भारी चाहिए तो भारी भी मिल जाएगा। अच्छा अच्छा। अब कोई बोल रहा है मेरे को 100 किलो से ऊपर चाहिए तो 100 किलो के ऊपर भी माल मिल जाएगा। अच्छा। पूरा 100 किलो बकरा चाहिए मेरे को, 100-110 किलो बकरा चाहिए तो भी मिल जाएगा। अच्छा, तो एक दो अगर कोई लेने आए, अगर पसंद आए तो एक दो ले जा सकता है आपके फार्म पे? फार्म पे आके गाड़ी साथ में लेके जाता है तो लेके जा सकता है। अच्छा, फार्म पे आने के बाद में बात करेंगे। अच्छा, उसका एक दो पीस का है तो फार्म पे आने के बाद में बात करेंगे। फार्म पे आ जाना, अपना फार्म राजस्थान अजमेर के अंदर है, जो अजमेर से अपना 20 किलोमीटर है, पुष्कर अपना फार्म है। लोकेशन लगा देंगे अपन व्हाट्सएप पे, अपन लोकेशन भेज देंगे। तो अच्छा, लोकेशन अपना अजमेर है ना? हाँ, लोकेशन अपना अजमेर है, अजमेर से अपना 20 किलोमीटर पड़ता है जो पुष्करगंज अपना फार्म है। जी जी भाई, अजमेर और पुष्कर का बीच के अंदर अपना फार्म है। कोई बंदा आना चाहता है, नया बंदा है, कोई जानता नहीं है, तो अपने कॉल पे बात कर सकता है और अजमेर से अपन रिसीव कर लेंगे उसको।